कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि राजधानी रांची के आसपास में कई भूयारी जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। बीजेपी ने ऐसे मामलों पर चुप्पी साध रखी है। इस संबंध में कोई भी कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हैं। हेमंत सोरेन जी आज जेल में हैं, पटवार जेल में, कि बड़गाई का जो भूयारी जमीन था उसी जमीन को लेकर वो ईडी गिरफ्तार कर ली। ये जो जमीन जो आपका कुछ दिन आपको बड़गाई के बारे में लोग बोल ही रहे थे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि सुतियम्बेगढ़ का पहाड़ के बारे क्यों नहीं बोलता है, बगल में सुतियम्बेगढ़ का पहाड़ के जमीन को, और उस जमीन को कौन लोग उस सुतियम्बे पहाड़ को वो लोग कब्जा कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूँगा कि चीड़ी मौजा को कौन व्यक्ति समाप्त कर दिया, बेच करके पूरा खत्म कर दिया। तीसरी बात है कि कल परसों बहुत आपका एक बड़ा भूयारी जमीन पुरनकी रांची में जो आपका सरकार का इधर उधर हो रहा था, रातों रात घेरा कर रहा था, पूरे ग्रामीण आदिवासी निकल करके उसको पूरा तोड़ दिया पूरा। आखिर उस जमीन को कौन घेरा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कौन घेरा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग घेरा कर रहे थे, लेकिन इतना आदिवासी के बारे में और यहाँ के बारे में कभी आदिवासी मूलवासी के बारे में जो बोलते हैं ये लोग, लेकिन एक भी इनके नेता, इवन बाबूलाल मरांडी जिके जैसे सर के नेता, इनके मुंह से ये सब बात क्यों नहीं निकलता है। पूर्व मुख्यमंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।